हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। और ये आप देख रहे होंगे नीम की पत्तियाँ, तो सोच रहे होंगे कि मैं इससे कौन सी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो वेट करिए, मैं कोई सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ, इसका मैं नीम का पाउडर बनाने वाली हूँ। जी हाँ गाइस, नीम का पाउडर बनाने वाली हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि नीम का पाउडर तो इजीली मार्केट में मिल जाता है, फिर इतनी हम क्यों परेशानी उठाएं। तो गाइस, अगर नीम का पाउडर मार्केट में मिलता है बहुत अच्छी बात है, बट अगर हम होममेड नीम पाउडर बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर नीम की पत्तियाँ ली हुई हैं। आप भी ताज़ा नीम की पत्तियाँ लीजिएगा और उसे वॉश करके धूप में 2-3 दिन तक अच्छा सुखा लीजिएगा। ये देखिए, मैंने सुखा ली है, इसमें से आपको आवाज़ आ रही होगी, अच्छे से सूख गई हैं ये। अब हम इनका नीम का पाउडर बनाएंगे। ये देखिए, तो हमें सिर्फ इन पत्तियों का यूज़ करना है, ये डंडियों को यूज़ नहीं करना है हमें। तो चलिए हम इनकी पत्तियां निकाल लेते हैं और फाइन पाउडर बनाते हैं। ये देखिए, मैंने इन पत्तियों को एक बाउल में निकाल लिया है और ये जो हमारी ये डंडियां हैं इनको हम अलग कर देंगे, इनका यूज़ हमें नहीं करना है। अब हम इन पत्तियों से एक फाइन पाउडर बनाएंगे। तो मिक्सर जार में डाल के हम इनको पीस लेते हैं और एक फाइन पाउडर तैयार करते हैं। ये देखिए, मैंने मिक्सर में इसका फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसको छान लूँगी ताकि अच्छे से ये जो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे वो रिमूव हो जाएं। वैसे तो ये फाइन बन चुका है, ये देखिए। तो चलिए मैं इसको छान लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको छान लिया है, कितना फाइन हो चुका है। और जो बड़े पार्टिकल थे वो सिर्फ इतने से ही निकले हैं, तो इनको मैं अलग कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा नीम का पाउडर रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक कंटेनर में रख लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे एक कंटेनर में स्टोर कर लिया है। अब जब भी मुझे यूज़ लगेगा तो मैं इसमें से निकाल के और फेस मास्क बना सकती हूँ और इसको यूज़ कर सकती हूँ। मार्केट से लाने से अच्छा है कि हम घर पे ही बना लें नीम का पाउडर। सभी के घरों के आसपास यूजुअली नीम तो लगी ही होती हैं, तो आप वहाँ से नीम की पत्तियाँ लाइए, उनको सुखा के धोकर उनको सुखा कर और नीम का एक पाउडर तैयार कर लीजिए। तो आप इसको फेस पे लगा सकते हैं, अगर पिंपल्स हैं, एक्ने की प्रॉब्लम है, या झुर्रियाँ हो गई हैं, या छाइयाँ हो गई हैं, आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं, ये हर किसी में आपके लिए मदद करेगा। नीम का पाउडर बहुत अच्छा होता है फेस के लिए और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर हमारे बालों में रूसी हो गई है, या जुएं हो गए हैं, या डैंड्रफ हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप नीम का ये पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको देखना है कि नीम का फेस पैक मैं कैसे बनाती हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपके साथ वो लिंक भी शेयर करूँगी। आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो नीम का मतलब सेवन भी करते हैं, नीम को खाते भी हैं, या नीम का जूस बना के पीते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नीम की पत्तियों से हम यूज़ ले सकते हैं। अगर मच्छर वगैरह होते हैं घर में तो नीम की जो पत्तियां होती हैं सूखी, उनको जलाकर आप मच्छर वगैरह इनसे भाग जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे यूज़ होते हैं नीम की पत्तियों के। तो ये नीम का पाउडर मैंने बनाया है नीम की पत्तियों से। आप भी बनाइए और स्टोर करके रखिए और फेस के लिए, बालों के लिए यूज़ करिए। सो गाइस, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बाकी जो मेरी वीडियोस हैं, जो रेसिपी हैं जो मैंने बनाई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।